हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं और इसे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से। वेरी ऑफन व्हेन यू राइट कोड यू वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फॉर डिफरेंट डिसीजन। तो आप डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस पे डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस लेते हैं जब आप कोड लिखते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। तो ऐसा काफ़ी बार होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप एटीएम में गए होंगे, जैसे ही आपने पिन एंटर करते हैं एटीएम में जाने के बाद, अपने एटीएम कार्ड को लगाने के बाद, तो एटीएम आपको अगर पिन जो है आपका ठीक है तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस खोल के देता है कि आप विड्रॉल कर सकते हैं, मनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर बहुत सारे ऑप्शंस देता है। और अगर आपका पिन जो है वो गलत है तो आपको डिफरेंट एक्शंस आपके पास आते हैं, मतलब कि आपके पास डिफरेंट स्क्रीन आती है, वो कहती है कि यू कैन एंटर योर पिन एंड दिस पिन इज़ इनकरेक्ट। तो आपकी ये जो पिन है वो गलत है, दूसरा पिन आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने पिन जो है वो ठीक डाला तो दूसरा एक्शन होगा, अगर गलत डाला तो दूसरा एक्शन होगा। तो इस तरह से आपके ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं। और आप देख सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक खोला होगा तो आपने मॉर्निंग में अगर खोला होगा तो लिखा आता है कि गुड गुड मॉर्निंग आपका नाम, या फिर इवनिंग में खोलते हैं तो लिखा आता है गुड इवनिंग। तो ये सब कैसे होता है, ये सारा जावास्क्रिप्ट से ही आपका परफॉर्म होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन अ डिफरेंट कंडीशन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपके इसलिए यूज़ होते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट आपके काफ़ी सारी कंडीशनल स्टेटमेंट से में से एक स्टेटमेंट है। तो जैसे इफ एल्स एल्स इफ स्विच, तो इस वीडियो में देखेंगे इफ एल्स एल्स इफ, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। स्टार्ट करते हैं हम इफ स्टेटमेंट से। इफ स्टेटमेंट आपको मैं सेंटेक्स दिखा दे रहा हूँ और चीज़ें वर्क करा के देखते हैं कि कैसे करेंगे। अगर इफ़ कंडीशन, कोई भी कंडीशन है, मतलब कि ए बड़ा है छोटा है, या फिर कहते हैं बी से, या फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है, और वो कंडीशन अगर ट्रू हुई तो नीचे वाला जो ब्लॉक आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब रन करेगा, नहीं तो नहीं रन करेगा। कैसे, जैसे कि आपका आवर्स है, मतलब कि घंटे 18 से कम है, मतलब 18 यहाँ पर है 6 o'clock इवनिंग का, तो क्योंकि 12 से बाद 13, 14, 15, 16, 18, और यहाँ पर 18 है, 18 मतलब कि 6 o'clock है इवनिंग का। अगर उससे पहले होगा तो हैव अ गुड डे कहेगा, नहीं तो सिमिलरली जो होता है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये प्रैक्टिकली चीज़ें देखते हैं कि वर्क कैसे कर रही हैं, नहीं तो चीज़ें हमें थोड़ी सी समझ में नहीं आएंगी थ्योरेटिकली। तो उसके लिए आप अपने नोटपैड प्लस प्लस में जाएंगे। नोटपैड प्लस प्लस में आप देख सकते हैं सामने मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले स्टार्टिंग मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाते हैं। और उसके बाद अगर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट ही डायरेक्टली हम यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, और नीचे पहले लिख देते हैं पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एनी टेक्स्ट हेयर। तो ये तो आपका नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया। आप इफ़ केस में हम क्या लिखेंगे, अगर ये कंडीशन, कोई भी कंडीशन डालनी है इसमें, कंडीशन मतलब कि आपका एक वेरिएबल ले लेते हैं एज, उसमें हम एज डाल देते हैं 19। अगर किसी की भी एज जो है अगर वो लेस हुई 18 से, मतलब कि अगर बड़ी है 18 से या फिर इक्वल है, तो क्या होगा आपका, ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे विंडो डॉट अलर्ट कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकते हैं, दोनों से हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट,
ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी इसे रन करा के देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। इसको हम सेव कराएंगे, इसको मैं सेव करा रहा हूँ JS इफ एल्स डॉट HTML से, और उसके बाद इसे हम ओपन करके देखेंगे। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो आप अपने सामने देख सकते हैं कि लिखा हो रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आपका नीचे जो भी है वो लिखा आ जाएगा, एनी टेक्स्ट है जो हमने थोड़ा सा गलत लिखा है, बट दैट्स नॉट अ बिग थिंग। तो अभी इसमें थोड़ा चेंजमेंट करके देखते हैं। अगर आपकी एज जो है वो है 14, और इसे हम कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, और उसे फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये आपका कुछ नहीं आ रहा है, वो नहीं दिखा रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट दिस दिस, कुछ नहीं दिखा रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर कर दिया 20 और तब मैंने इसे करा सेव और फिर से मैंने इसे रिफ्रेश करा तो दिखाया है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो अभी देख सकते हैं कि आपके अगर ये इफ़ स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन जो है अगर ट्रू है तो आपका एज वाला जो स्टेटमेंट्स है, या फिर कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अंदर, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह से आपका ये होगा। बट अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। अगर ऐसा होता मेरे पास कि 18 से अगर मेरी कम एज है तो बताता कि आपकी जो एज है वो कम है, तो और अच्छा होता, यूज़र इंटरफेस और अच्छा बन जाता। तो यही देखते हैं नेक्स्ट के किस तरह से बनाते हैं एल्स स्टेटमेंट आपका। तो अगर इफ़ ये वाला ठीक नहीं है तो एल्स ये वाला आपका आ जाएगा। तो एल्स स्टेटमेंट आपका इसलिए होता है ताकि अगर पहला वाला ट्रू नहीं है तो दूसरा वाला जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स स्टेटमेंट इसी में है, यूज़ करके देखते हैं हम ELSE एल्स। अभी इस ब्लॉक में जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद पेस्ट कर लेते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। इसको हम करेंगे सेव। अभी क्या दिखाई दे रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अभी जैसे हम इसकी 10 कर देंगे एज, तो पहले आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बट आपको अब दिखाई देगा, ये लिखा हुआ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये आपका अच्छा इंटरफेस है। चलिए हम एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें कि आप एग्ज्यूम कर सकते हैं कि एक कंडीशन है आपके पास जिसमें कि आपका अगर मार्क्स जो हैं वो 33 से कम है तो आप फेल हैं, अगर ज़्यादा हैं तो आप पास हैं, और ज़्यादा भी आपके 75 से ज़्यादा हैं तो आप डिस्टिंक्शन के साथ पास हो जाएंगे। तो ये कैसे करेंगे, ये अप्लाई कैसे करेंगे अगर आपके एज की जगह मार्क्स हैं, और 40 अप्रॉक्सीमेटली अगर आपके मार्क्स जो हैं वो मार्क्स जो हैं वो 33 से थोड़े भी कम हैं तो आप क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे फेल इन एग्ज़ाम। ठीक है, अगर ज़्यादा हैं तो मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पास एग्जाम। अब मुझे करना है कि वो पास तो हो रहा है अगर उसके 75 से ज़्यादा हैं तो पास विद डिस्टिंक्शन, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से पास है आप, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो एल्स इफ स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, आपको नीचे सिंटेक्स मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ। अगर कंडीशन ट्रू हुई पहली वाली तो वो वाली ट्रू हो जाएगी, नीचे वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा कोड, और अगर दूसरी वाली कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से वो चेक करेगा, मतलब कि पहली वाली ट्रू है तो ठीक है, अगर वो वाली फॉल्स है तो नीचे फिर से चेक करेगा इफ़ ये वाली कंडीशन भी ट्रू है कि नहीं है। तो ये कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बता देता हूँ अभी।
इसके लिए अपने यहीं पे नोटपैड पे ही जाएंगे, यहाँ पे इफ लिखेंगे। इफ अगर ये आपका जो कोड है, जो आपके मार्क्स हैं, जो दिखाई दे रहे हैं आपके मार्क्स, वो आपके ग्रेटर देन है 75 से, तो आप क्या होंगे, पास विद डिस्टिंक्शन, मतलब कि ए प्लस कर सकते हैं, और नहीं तो एल्स लगा के आपका ये कंडीशन हो जाएगी, सिर्फ आप पास होंगे। तो उसको हम रन करा के देख लेते हैं। अभी आपके मार्क्स जो हैं वो 40 मार्क्स हैं, तो पास इन एग्ज़ाम। अभी जैसे ही हम 40 को 80 में चेंज करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, पास इन एग्ज़ाम विद ए प्लस इससे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास यही एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे 60 से ऊपर ए ग्रेड, 60 से ऊपर डी ग्रेड चाहिए, 70 से ऊपर बी ग्रेड चाहिए, फिर उसके बाद कहते हैं ए ग्रेड चाहिए, ए प्लस ग्रेड चाहिए, तो ये कैसे होंगे, तो इसके लिए तो काफ़ी सारे ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे। तो ये ऑप्शंस जो हैं वो हमारे स्विच केस से यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि स्विच केस क्या होता है। सो आई होप आपको स्टेटमेंट्स समझ में आए होंगे। सो थैंक यू गाइस, मीट मी इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज वैल्यूबल फॉर ऑल, सो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।